नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के कचहरी कुटीर में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन कर स्वामी गुरुकुलानंद कचहरी बाबा के 39 वर्ष संन्यास के पूरे होने पर विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कचहरी बाबा के त्याग, तपस्या, निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायी बताया। प्रमिलापुरा की अध्यक्षता में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में महेश मखौलिया, डॉक्टर परमानंद चौबे, मनमोहन सिंह, गोपाल दत्त सती, रेखा नगर कोटी, कमल जोशी, लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर तारा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के ब्लड बैंक में आज सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 2017 से प्रतिवर्ष 14 जनवरी को सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस वेटरसन डे मनाया जाता है। इस वर्ष 7वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा शिविर में रक्तदान किया गया, जिसको लेकर रक्तकोष प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने पूर्व सैनिकों द्वारा किए गए शिविर के आयोजन को लेकर सराहना की और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन के उपाध्यक्ष मयूक भट्ट, राजेंद्र जोशी, चंदन जेठी, रमेश सिंह, दयाल सिंह, गिरधर सिंह, देवकी नंदन, शेर सिंह, राजेंद्र जोरा, भूपेंद्र सिंह, प्रमिला बोरा, रेखा नगर कोटी आदि उपस्थित थे। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकासखंड सभागार में सेविला के पंचायत प्रतिनिधियों, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल के प्रतिनिधियों को हिमालयन पर्वती विकास संस्था टेहरी गढ़वाल के प्रशिक्षकों उमाशंकर बंगवाल, दिनेश उन्याल और विजय तलवार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत दिए जा रहा प्रशिक्षण जारी है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। मुनस्यारी स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक समन्वय गंभीर मेहता द्वारा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियां देने के साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अवसर पर दीपाल अस्वाल, तनुजा कोरंगा, सुंदर सिंह पवार सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद थे। बीते लंबे समय से जनपद के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों को पाठ्य सामग्री और गर्म कपड़े आदि का वितरण करते आ रहे सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर यहां नैनी सैनी मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 4 दर्जन से अधिक बच्चों को गर्म कपड़े सामग्री का वितरण किया गया, जिसको लेकर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता लाल सिंह बिष्ट सहित अन्य लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता पांडे के कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अर्जुन कसन्याल, रमेश कसन्याल, राजेंद्र जेठी, राजेंद्र भाटिया, गोविंद सोन, व्यापार अध्यक्ष तपन रावत, देवीदत्त भट्ट, भूपेन्द्र सिंह, हेमंत भट्ट, ललित सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन चंचल भंडारी द्वारा किया गया। अल्मोड़ा छासंग अध्यक्ष पंकज सिंह कार्की के अपने पैतृक गांव चौकोड़ी पहुंचने पर ग्राम प्रधान ज्योति सानी व पूर्व प्रधान मनोज सानी की अगुवाई में चौकोड़ी से कोटमनिया बाजार तक ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विनोद कार्की, लक्ष्म सिंह कार्की, सुरेंद्र मेहरा, खुशहाल सिंह, राजन राम, बलवंत मेहरा, पार्वती कार्की, नरेंद्र सानी, हीरावल्लभ भट्ट, मनोहर पंचपाल सहित दर्जनों लोग शामिल थे। पिथौरागढ़ के नगर पालिका सभागार में नगर के विभिन्न मसलों पर चर्चा करने के साथ ही पालिका अध्यक्ष राजेंद्र राउत की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक संपन्न हो गई। बैठक के दौरान निर्धारित मानकों के अंतर्गत आने वाले नगर के निकट के गांवों को पालिका में शामिल करने, पुनः मेले का आयोजन करने, KMO स्टेशन में हाईटेक शौचालय बनाने, संगठित विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि से पालिका की आय बढ़ाने के लिए दुकान का निर्माण कराने सहित अन्य प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक का संचालन कार्यवाहक शासी अधिकारी NB पांडे द्वारा किया गया। बैठक में पालिका सभासद व कर्मी मौजूद थे। इस दौरान मेले के पुनः आयोजन को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए पालिका के 8 सभासदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया। सभासदों ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताते हुए वार्डों में पथ प्रकाश व्यवस्था, पैदल मार्ग, नाली निर्माण सहित अन्य कार्यों को किए जाने व वहां व्याप्त समस्याओं के समाधान को लेकर पहल करने की बात कही। बहिष्कार करने वालों में सभासद अनिल मेहरा, किशन खड़ायत, रविंद्र बिष्ट, कमल पांडे, सरस्वती मखौलिया, भावना नगर कोटी, हेमा शाही, पवन मेहरा, राधा सूटा आदि शामिल थे। चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत चंपावत में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत टनकपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को 4.85 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। चंपावत पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टनकपुर क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 आरोपी तसब्बर
पुत्र पप्पू अंसारी निवासी इस्लाम नगर खटीमा और दिलदार सलमानी पुत्र शमशाद सलमानी निवासी खटीमा उधम सिंह नगर के कब्जे से 4.84 ग्राम स्मैक बरामद कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ 8/20/21 NDPS एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक दिलवर सिंह, कांस्टेबल सूरज कुमार और विक्रम सिंह आदि शामिल थे। आखिरकार अल्मोड़ा पुलिस की मेहनत रंग लाई और मुंबई पहुंची। अल्मोड़ा पुलिस के अथक प्रयासों से मिशन ऑपरेशन आमा की वापसी सफल हो गया। पुलिस टीम बुजुर्ग हेमा देवी के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद आमा को मुंबई से अल्मोड़ा लाने की तैयारी में जुटी है। गौरतलब है कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर अल्मोड़ा निवासी एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग हेमा देवी जो विकसित अवस्था में है का वीडियो अपलोड कर सहायता की अपील की थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए अल्मोड़ा SSP प्रदीप कुमार राय को बुजुर्ग अम्मा को मुंबई से अल्मोड़ा लाने के लिए निर्देशित किया था, जिस पर SSP राय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम को मुंबई रवाना किया और मुंबई पहुंची पुलिस टीम ने मुंबई पुलिस व स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क कर लगातार विभिन्न स्थानों पर पर्चे आदि के माध्यम से बुजुर्ग हेमा देवी की तलाश की और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और अम्मा को सकुशल तलाश कर लिया गया। अम्मा का स्वास्थ्य परीक्षण आदि के बाद पुलिस टीम द्वारा हेमा देवी को अल्मोड़ा लाने की तैयारी की गई। जैसा कि विदित है कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक बुजुर्ग माता जी अपने बारे में बता रही थी कि वो उनका घर अल्मोड़ा है और उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनके भाई इत्यादि का नाम भी लिया गया था और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल हमें निर्देशित किया गया था कि कैसे भी करके उन माता जी को मुंबई से लाया जाए। इस पर हमने एक टीम का गठन किया था और जिसमें कि SOG और लोकल पुलिस इसमें टीम में शामिल रही और तत्काल एक टीम को हमने वहाँ मुंबई भेज दिया था, जिस टीम ने वहाँ पे स्थानीय लोगों और स्थानीय पुलिस के साथ मिल करके उन माता जी को आज खोज लिया है और ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि माता जी का हमें मिल गई और हम जल्दी ही आमा की वापसी हमारे अल्मोड़ा में हो जाएगा। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।